अस्सलामुअलैकुम यूट्यूबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं फिर से आई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ जो झटपट से तैयार हो जाती है। चले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ये शामी कबाब का कीमा हमने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी पहले से। ये मैंने अपने चैनल पे लिंक दी हुई है इसकी कि ये कैसे बनता है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने एक एग लिया है और ये तीन अंडे बॉयल किए हैं। ठीक है, अब हम नगेट्स कोफ्ते बनाते हैं कि वो कैसे बनते हैं। अच्छा जी, अब हमने एक एग लिया है, अब हमने उसको ऑमलेट टाइप ऐसे कर लेना है। ठीक है जी, ये हमने रख लिया और यहाँ पे हमने एक अंडे को इस शेप में काटना है। ये अंडा है, ये हमने ऐसे काटा। ठीक है जी, ये हमने दूसरा उठाया, ये ऐसे ऐसे लिया है। ये शामी का आपका कीमा हम इसमें चढ़ाएंगे। ठीक है जी। अच्छा व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं ये हमने दो बना के रख ली हैं ऑलरेडी। ये दोबारा से हमने ये कीमा उठाया जो शामी कबाब का, इसको हमने थोड़ा सा प्रेस करना है और इसको यूं 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 करना है। ठीक है जी, ये हमने एक एग रखा ऐसे करके और इसको ऐसे दबाना है क्योंकि ये अच्छी तरीके से इस पर चिपक जाए। ठीक है, ये हमारे नरगिस कोफ्ते बन रहे हैं जो इजी सी रेसिपी है। अब थोड़ा सा हम इसको दबाएंगे, कीमा कम हुआ, हम इसको थोड़ा सा और लगाएंगे। ठीक है जी, ये देखें सही है। अब हम इसमें एग में डाल के से फ्राई करेंगे। ये देखें, ये हमारे नरगिस कोफ्ते बन गए एग वाले। ये देखें, हमारे ये कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, नरगिस कोफ्ते। अब हम इसको एग में हम इसे ऐसे करेंगे। ठीक है जी, इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप करना है और इसके बाद हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। ये हमने पैन रख दिया हल्की आग पे, इसका घी गरम हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप चाहें तो केचप वगैरह के साथ भी इसे खा सकते हैं, या जल्दी में जो गेस्ट वगैरह जल्दी में गेस्ट वगैरह के आगे भी आप रख सकते हैं इजीली। ये बस आप शामी कबाब का कीमा बना के घर पे रख दें। ठीक है, तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं हमारी झटपट सी रेसिपी तैयार हो गई है नरगिस कोफ्ते। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रहे हैं, आप केचप के साथ भी खा सकते हैं इसे। ठीक है जी, ये देखें, ये एक है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ये सारा खुल गया है। ठीक है, अगर आपको मेरी रेसिपी, ये थे हमारे नरगिस कोफ्ते, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी, लाइक भी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।